Good morning, students. Today we will study from your book Bhuvan Varg section of essay number 6, The Story. Ye essay hai The Story, written by E.M. Forrester and Bert von Gump Forrester. He was born in 1879 and died in 1970. He was a noted English author and a critic, wrote a number of short stories, novels and essays. एक बहुत ही फेमस क्रिटिक हैं, ऑथर हैं, जिन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और एसेज लिखे। इस फर्स्ट नॉवेल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड वाज पब्लिश्ड इन 1905। इनका फर्स्ट जो नॉवेल था वो 1905 में पब्लिश हुआ। दिस वाज फॉलोड बाय हॉवर्स एंड अ पैसेज टू इंडिया एंड अदर वेल नोन वर्क्स। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे जिसमें फेमस वर्क रहे हॉवर्स Passage to India. The Hill of Devi, a portrait of India with a commentary, appeared in 1950. उन्होंने एक वर्क लिखा उन्होंने जिसमें The Hill of Devi, a portrait of India, India के बारे में उन्होंने एक पिक्चर पोर्ट्रेट प्रस्तुत किया जिसपे उन्होंने कमेंट्री की थी। कमेंट्री फॉर्म में उन्होंने ये वर्क किया एंड इट वॉज अपीयर्ड इन 1953, जो कि 1953 में पब्लिश हुआ। The essay presented, जो ये essay है, the story is from your book Bhuvan Varg. Here is an excerpt. Excerpt means a part or एक हम कह सकते हैं अंश की बात कह सकते हैं कि बहुत बड़े पार्ट में से छोटा सा अंश जो लेते हैं from chapter 2 of Extracts of the novel. और ये जो presented essay है आपका the story, वो इनका जो novel है Aspects of the novel उसके chapter 2 से लिया गया है। In the essay, The Story by E.M. Forrester, the author describes about that what should be the concept of novel and what is the base of novel, कि novels जो लिखे जाते हैं उनका basic base क्या होता है। तो अब हम अपना essay start करते हैं। We shall all agree that the fundamental aspect of the novel is its storytelling aspect. But we shall voice our assent in different tones, and it is on the precise tone of voice we employ now that our subsequent conclusion will depend. तो यहाँ पे जो author है वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमें सभी को इस बात के लिए agree होना होगा कि जो fundamental aspect है novel लिखने का वो है स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट, कि किस तरह से एक नॉवेल में स्टोरी को कंटिन्यू किया जाता है, कि क्योंकि नॉवेल क्या होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, एक उस पर पूरी की पूरी बुक लिखी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत सारी स्टोरीज में डालनी होती हैं या मेंशन करनी होती हैं। तो सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है उसका मेन जो सोर्स है वो है स्टोरी टेलिंग, कि आप कैसे स्टोरी कह रहे हैं। बट वी शैल वॉइस आर एसेंट, एसेंट का जो मीनिंग है वो है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, कि हमें इस बात के लिए अप्रूवल देना होगा, चाहे हमारी इन डिफरेंट टोन्स, चाहे हमारी जो कहने का तरीका ही डिफरेंट क्यों ना हो, बट हमें इस बात के लिए अप्रूवल देना होगा एंड कि ये जो नॉवेल का बेसिक जो कंसेप्ट है वो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है। एंड इट इज़ ऑन द प्रिसाइज टोन ऑफ वॉइस वी एम्प्लॉय नाउ दैट आर सब्सिक्वेंट कंक्लूजन विल डिपेंड, और हमारी जो प्रिसाइज वॉइस है उसी में इस बात का सब्सिक्वेंट मीन्स आने वाला कमिंग जो है जो आने वाले कंक्लूजन हैं वो डिपेंड करेंगे कि हम किस बात के लिए किस टोन में हमारे अप्रूवल या एक्सप्रेशन देते हैं। लेट अस लिसन टू थ्री वॉइस, और यहाँ पे जो है ऑथर तीन तरह की वॉइस की बात कर रहे हैं, कि तीन तरह की जो एस्पेक्ट्स हैं टोन से उन्हें बात कर रहे हैं। इफ़ यू आस्क वन टाइप ऑफ मैन व्हाट डज अ नॉवेल डू, तो यहाँ पे वो पहले तरह की पर्सनैलिटी पहले तरह के टोन के बारे में बात कर रहे हैं, कि आप वन टाइप के पर्सन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि व्हाट डज अ नॉवेल डू, कि नॉवेल क्या करता है। देन ही विल रिप्लाई प्लेसिडली, प्लेसिडली मीन्स जो सीरियस है या पीसफुल वे में, सीरियस टोन में या पीसफुल टोन में जो कहते हैं। वेल आई डोंट नो, इट सीम्स अ फनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, अ नॉवेल इज़ अ नॉवेल, तो वो ये रिप्लाई करेगा कि वो नहीं जानता, एक ये फ़नी तरीका का क्वेश्चन है, नॉवेल तो नॉवेल होता है। वेल आई डोंट नो, आई सपोर्ट इट काइंड ऑफ टेल्स अ स्टोरी, फिर भी वो कहता है कि ठीक है मैं जानता था नहीं हूँ, लेकिन शायद वो नॉवेल जो है स्टोरी कहता है, सो टू स्पीक।
और वही चीज़ स्टोरी टेलिंग उसकी कंसेप्ट होती है. ही इज़ क्वाइट गुड टेम्पर्ड एंड वेक, और वो इसमें बहुत ही गुड टेम्पर्ड है, बहुत ही गुड मैनर में उसको बोल रहा है एंड वेक. बट उसके लिए वो क्या है, वेग है. वेग मीन्स अनक्लियर है, अनसर्टन है. जो भी वो बोल रहा है उसकी वॉइस में अनसर्टनिटी है, अनक्लियरिटी, कि वो कोई भी बात ढंग से नहीं कह पा रहा. प्रोबेबली ड्राइविंग अ मोटर बस एट द सेम टाइम एंड पेइंग नो मोर अटेंशन टू लिटरेचर देन इट्स मैरिज, और शायद वो समय कोई मोटर बस चला रहा है इसीलिए वो लिटरेचर पे कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा, बस उसके बारे में ऊपरी बातें वो कह रहा है. अनदर मैन, आप यहाँ पे जो ऑथर सेकेंड पर्सनैलिटी या सेकेंड वॉइस की बात कर रहे हैं, whom I visualize as on a golf course will be aggressive and brisk. और दूसरे टाइप के अब जो पर्सन है वो जो ऑथर है वो गोल्फ कोर्स पे इमेजिन कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, एंड इज अग्रेसिव एंड ब्रिस्क. अग्रेसिव भी है नेचर में और ब्रिस्क है. ब्रिस्क मीन्स एक्टिव है, बहुत ही क्विक है, एक्टिव, हर एक्शन में क्विक है और एक्टिव है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपने किसी भी एक्टिविटी को लेकर. तो वो एग्रेसिव हैं और ब्रिस्क हैं. ही विल रिप्लाई व्हाट डज अ नॉवल डू, और वो कहेगा कि अगर हम उनसे पूछेंगे कि व्हाट डज अ नॉवल डू, व्हाई टेल अ स्टोरी ऑफ कोर्स, तो पूछेगा क्यों क्यों पूछना चाहते हैं ये, तो ऑफ कोर्स स्टोरी ही कहता है. आई हैव नो यूज फॉर इट इफ इट डिडंट, और वो कहता है कि अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो वो मेरे कोई यूज़ का नहीं है. आई लाइक अ स्टोरी, और वो क्या जो ऑथर कह रहे हैं कि जो सेकेंड टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो स्टोरी को पसंद करते हैं. वेरी बैड टेस्ट ऑन माई पार्ट नो डाउट, बट आई लाइक अ स्टोरी, और जो सेकेंड टाइप की पर्सनैलिटी है वॉइस है वो कहेगा कि मेरा जो टेस्ट है वो बहुत ही बैड है, लेकिन मैं मुझे स्टोरी पसंद है नॉवल में. You can take your art, you can take your literature, you can take your music, but give me a good story. तो कह रहा है कि आप अपना आर्ट ले सकते हैं, लिटरेचर ले लीजिए, चाहे म्यूजिक ले लीजिए, बस मुझे एक अच्छी सी स्टोरी चाहिए उसमें. And I like a story to be a story, mine and my wife's the same. और मेरी जो स्टोरी है वो मुझे स्टोरी की तरह ही पसंद है, और इसे मुझे बहुत लाइक करता हूँ, और मेरी वाइफ को भी नॉवल में स्टोरी ही पसंद है. बेसिकली वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, लिटरेचर में कुछ भी आप वर्क कर लीजिए, अगर आप नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिक स्टोरी होना चाहिए. उसकी उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो नॉवल है उसका बेस स्टोरी होती है, कि किस तरह की स्टोरी उसमें कनेक्ट की गई है. एंड अ थर्ड मैन, अब यहाँ पे वो थर्ड पर्सनैलिटी थर्ड वॉइस की बात कर रहे हैं. ही सेज इन अ सॉर्ट ऑफ ड्रोपिंग रिग्रेटफुल वॉइस. ड्रोपिंग मीन्स बहुत ही लो साउंड में वो बोल रहा है, ड्रोपिंग साउंड में बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ लो साउंड में बोल रहा है, और रिग्रेटफुल वॉइस मीन्स बहुत ही अपना रिग्रेट्स शो कर रहा है, बहुत ही दुख शो करते हुए बहुत ही लो साउंड में वो बोल रहा है कि ओ यस डियर यस द नॉवल टेल्स अ स्टोरी, और वो बहुत ही सॉफ्ट में सॉफ्टनेस के साथ या लो साउंड के साथ दुखी होते हुए बोल रहा है कि यस नॉवल जो है स्टोरी टेलिंग होती है, उसमें नॉवल टेल्स अ स्टोरी. आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर द फर्स्ट स्पीकर. अब यहाँ पे ऑथर इन तीनों तरह की टोन्स के बारे में बात करें कि अगर फर्स्ट तरह के स्पीकर है या फर्स्ट तरह की जो वॉइस है जहाँ पे जो ऑथर ने मेंशन करी है, अगर तो ऑथर जो उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं और एडमायर करते हैं. आई डिटेस्ट एंड फियर द सेकेंड. डिटेस्ट मीन्स अबॉन्डन करना, मैं उनको अबॉन्डन करता हूँ या निष्कासित करता हूँ. जो गोल्फ कोर्स तरह के जो रीडर्स होते हैं उन्हें जो ऑथर लाइक नहीं करते हैं, ना पसंद करते हैं और फियर करते हैं कि इस तरह के रीडर्स नहीं होने चाहिए. एंड द थर्ड इज माई सेल्फ, और जो थर्ड टाइप की जो पर्सनैलिटी है जो रिग्रेटफुल वॉइस में कहती है कि नॉवल जो है स्टोरी टेलिंग कहती है, उसे ऑथर खुद को कंसिडर कर रहे हैं. यस ओ यस डियर द नॉवल टेल्स ए स्टोरी, और नॉवल हमेशा स्टोरी टेलिंग ही होती है, उसके अंदर वही कहता है. दिस इज़ द फंडामेंटल आस्पेक्ट विदाउट विच इट कुड नॉट एग्जिस्ट, और ये के फंडामेंटल आस्पेक्ट है नॉवल लिखने का, जिसके बिना नॉवल नहीं चल सकता, और वो आस्पेक्ट है स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट. दिस इज़ द हाइस्ट फैक्टर कॉमन इन ऑल नॉवेल्स एंड आई विश दैट इट वॉज नॉट सो दैट इट कुड बी समथिंग डिफरेंट, और ये जो नॉवल लिखने का फंडामेंटल आस्पेक्ट है स्टोरी टेलिंग आस्पेक्ट, ये सबसे कॉमन फैक्टर है, और ऑथर विश करें कि शायद ये कॉमन फैक्टर ना होता सभी नॉवेल्स में स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि वो चाहते थे कि नॉवल में कुछ डिफरेंट होता है, डिफरेंट थिंग्स होती.
शायद मेलोडी होती, परसेप्शन ऑफ ट्रुथ होता, या नॉट दिस लो एटाविस्टिक फॉर्म. एटाविस्टिक मीन्स विदाउट नोइंग, या जो संज्ञाहीन की हम बात करते हैं वो वाली बात होती. तो इस तरह के नॉवेल्स होने चाहिए थे, कुछ डिफरेंट होना चाहिए था. स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट के अलावा और कुछ भी उसमें होना चाहिए था, बट वो कह रहे हैं कि बेसिक जो होता है उसका नॉवेल का, वो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट ही होता है. फॉर द मोर वी लुक एट द स्टोरी, द स्टोरी दैट इज स्टोरी. और जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जो स्टोरी है, अगर हम देखते हैं स्टोरी पर, तो जो स्टोरी है वो स्टोरी की तरह ही होनी चाहिए, कहानी की तरह ही होनी चाहिए. उसमें एक सीक्वेंस होनी चाहिए, रिदम होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें कुछ भी कह दिया जाए. द मोर वी डिस्टेंगल मीन्स हम उसे सुलझा पाएंगे या समझ पाएंगे. इट्स फ्रॉम द फाइनल ग्रोथ दैट इट सपोर्ट्स द लेस शैल वी फाइंड टू एडमायर. तो हम उसे अच्छे से, स्टोरी जो है स्टोरी फॉर्म में होना चाहिए, उसकी ग्रोथ को जो सपोर्ट करे और जिसे हम एडमायर कर सकें. इट रन्स लाइक अ बैकबोन. जो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है नॉवल का, वो उसकी बैकबोन होती है. और मे आई से अ टैपवॉर्न एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि रिबिन की तरह बहुत लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा, या एनिमल हम कह सकते हैं, इस तरह का होता है टैपवॉर्न. बहुत ही ज़्यादा रिबिन्स की तरह लंबा घुमाओ, मतलब बहुत ही ज़्यादा राउंड्स होते हैं उसके अंदर, बहुत ही लॉन्ग होता है वो. या तो वो इसकी बैकबोन होनी चाहिए, या आई से इट काइंड ऑफ अ टैपवॉर्म. क्यों टैपवॉर्म कहा गया है? क्योंकि जो नॉवेल होते हैं उसमें एक स्टोरी नहीं होती, उसमें स्टोरीज में बहुत सारी स्टोरीज होती है जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो वो एक बहुत लॉन्ग स्टोरी हो जाती है. इसीलिए वो उसे नॉवेल को टैपवॉर्म की संज्ञा दे रहे हैं या उससे कंपेयर कर रहे हैं. फॉर इट्स बिगनिंग एंड आर आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी मीन्स जो बेस्ड ऑन रैंडम चॉइसेस, मतलब उस जो भी रिटर्न होता है, इसकी जो बिगनिंग है, इसका एंड कैसा होना चाहिए, वो ऑथर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से स्टोरीज को कनेक्ट करता है, किस तरह से अपनी बात को कहता है. जैसे कि टैपवॉर्म का बिगनिंग और एंड होता है. इट इज़ इमेंसली ओल्ड, गोज बैक टू न्योलिथिक टाइम्स. न्योलिथिक टाइम्स मीन्स बहुत ही जो स्टोन एज आई थी, उसका लेटर पार्ट ऑफ जो टाइम पीरियड कहलाता है वो न्योलिथिक टाइम कहलाता है, स्टोन एज का लेटर पार्ट. एंड परहैप्स टू पैलियोलिथिक पीरियड. पैलियोलिथिक होता है जो स्टोन एज की अर्ली पार्ट है, उसको कहा जाता है पैलियोलिथिक पार्ट. तो यहाँ पे न्योलिथिक है लेटर पार्ट ऑफ द स्टोन एज, और पैलियोलिथिक मीन्स अर्लियर पार्ट ऑफ द स्टोन एज. मतलब ये जो पैटर्न है स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट नॉवेल का, ये इतना ओल्ड है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, स्टोन एज के टाइम का है. नियांडरथल्स मीन्स लिसन्स टू द स्टोरी. नियांडरथल्स मीन्स मीन्स बहुत ही जो ओल्ड टाइम की जो पर्सनैलिटीज थी, और हम कह सकते हैं कि 120,000 ईयर्स बैक जो टाइम था, 120 ईयर्स टू 35,000 ईयर्स अगो की जो लुक लाइक पर्सनैलिटीज थी, जो पर्सन थे, और कहते थे कि ये जो पर्सन ह्यूमन बींग्स थे उस टाइम पे, उनकी जो स्ट्रक्चर होता था वो मॉन्स्टर्स के जैसे होता था. जो नियांडरथल्स टाइम के जो पर्सनैलिटीज थी, पर्सन्स थे, वो बहुत ही पुराने थे, और उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो मॉन्स्टर टाइप की थी. तो उस टाइम के पर्सनैलिटी से जो वो नॉवल एस्पेक्ट्स को कंपेयर कर रहा है, वो कह रहा है कि जो ये जो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है नॉवल का, वो इतना पुराना है. इफ वन में जज बाय द शेप ऑफ हिज स्कल, और शायद कोई उसे उसकी जो स्कल है, मतलब उसकी जो कवर है उससे, या जो उसका बेसिक है उससे, उसे समझ सकें. द प्रिमिटिव ऑडियंस. प्रिमिटिव मीन्स जो ओल्ड या जो पुरानी ऑडियंस होती है उसके हमारे बारे में कहते हैं. प्रिमिटिव मीन्स जो एंसेस्ट्रल टाइम पीरियड होता है या पुराना एज होता है उसके बारे में कहा जाता है. एंड वॉज एन ऑडियंस ऑफ शॉक हेड्स गैपिंग राउंड द कैंप फायर. और वो जो उस टाइप की जो ऑडियंस होती थी वो शॉक हेड्स होती थी, या कैंप फायर के अराउंड बातचीत करने वाली ऑडियंस होती थी.
फैटिक विथ कंटेंडिंग अगेंस्ट द मेमोथ और द वूली राइनोसोरस, और जो कि बहुत ही फैटिकनेस टायर्डनेस को शो करता है. एंड मेमोथ मीन्स वेरी लार्ज, मीन्स वो जो उनकी जो बातचीत होती थी या जो डिस्कशन होता था वो नहीं था, वो अननेसेसरी डिस्कशन होता था. या जैसे कि वुलरी राइनोसोरस के और मेमोथ के मेमोथ होता है उसी तरह का बहुत लार्ज होता था, बट थका देने वाला होता था और अननेसेसरी होता था. एंड ओनली केप्ट अवेक बाय सस्पेंस, और जो वो कैंप फायर में जो क्यूरियोसिटी उन्हें होती थी जिस तरह से वो बातचीत करते थे, तो वो बात बहुत लॉन्ग होती थी, लार्ज होती थी. और वो लार्ज क्यों होती थी, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो उन्हें थका देती थी लेकिन फिर भी जगा के रखती थी. क्यों जगा अवेक करके रखती थी, क्योंकि उस पर सस्पेंस होता था, उनकी बातों में क्यूरियोसिटी होती थी कि आगे क्या बात होगी, आगे क्या डिस्कशन होगा. तो इसी तरह से नॉवेल का एस्पेक्ट भी होना चाहिए. What would happen next? सबसे curiosity वाली चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हम reading करें तो उसमें आगे क्या होगा, ये ही हमें curious बनाती है और उस चीज़ को read करने की, उस book को, उस novel को, उस story को read करने के लिए inspire करती है. तो यहाँ पर जो author हैं उसने novel के aspect के बारे में बताया कि इतना old है, जो कि stone age time period के अकॉर्डिंग उस टाइम से चला आ रहा है, और जो प्रिमिटिव ऑडियंस हैं वो उन्हें क्यूरियोसिटी, उस टाइम से उन्हें क्यूरियोसिटी या सस्पेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि एक नॉवल का मेन एस्पेक्ट है. द नॉवलिस्ट ड्रोन्ड ऑन एंड एज सून एज द ऑडियंस गेस व्हाट हैपन नेक्स्ट दे एदर फेल असलीप और किल्ड हिम. और जो नॉवलिस्ट है अगर वो मोनोटोनस हो जाए, अगर वो अपनी स्टोरी में सस्पेंस ना रखें, ड्रोन्ड ऑन मीन्स मोनोटोनस होना या बोरिंग होना, नीरस होना, एक जैसी टोन होना, उसमें उतार चढ़ाव ना होना, अगर नॉवलिस्ट की स्टोरी में उतार चढ़ाव नहीं है, अप्स एंड डाउन्स नहीं हैं, तो और ऑडियंस को पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, तो वो या तो स्लिप कर जाएंगी या उसे किल कर देंगी, मीन्स वो या तो उस चीज़ को पढ़ना छोड़ देंगी या सो जाएंगी. तो कोई भी नॉवलिस्ट है उसे मोनोटोनस नहीं होना चाहिए. वी कैन एस्टिमेट द डेंजर्स incurred when we think of the career of Shahzadas in somewhat later times. और जो स्टोन एज के बाद में जो किंगली पीरियड था उसमें एक शहजादा थी, वो एक वजीर की डॉटर थी. एक शहजादा एक वजीर थी, उस टाइम के किंग थे, उनके वजीर की डॉटर थी. और अगर वो अपने हस्बैंड को एक स्टोरी सुनाती हैं और कैसे आगे होता है उसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो उनका जो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट था वो ऐसा था कि वो क्यूरियोसिटी बनाए रखती थी. तो उनके सामने जो डेंजर था कि उनके जो राजा था, वो राजा था, उनकी हैबिट थी कि वो हर नाइट को मैरिज करते थे और नेक्स्ट मॉर्निंग को अपनी वाइफ को छोड़ देते थे. लेकिन शहजादा से जब उनकी मैरिज होती है तो उनको नाइट को ऐसी स्टोरी सुनाती थी और मॉर्निंग में उस पॉइंट पे स्टोरी को छोड़ देती थी कि उससे राजा को या किंग को ये फील हो कि नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है. तो उसके सामने जो ये डेंजर था कि उसके जो किंग है उसे छोड़ ना दे, वो उसने उसको बनाए रखा, उस क्यूरियोसिटी को राजा में बनाए रखा, और उसके सामने जो डेंजर था उसे उसने दूर किया था. और नॉवल में भी यही चीज़ होनी चाहिए कि जो स्टोरीज हैं वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम उस नॉवल को पढ़ना छोड़ देंगे या उसे हटा देंगे या हमें नींद आ जाएगी. तो ऑथर कह रहे हैं कि इसका जो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए. शहजादा अवॉइडेड हर फेट बिकॉज शी न्यू हाउ टू वील्ड द वेपन ऑफ सस्पेंस. और शहजादा ने जो अपना किस्मत है, फेट है, भाग्य जो है, फेट मीन्स किस्मत, डेस्टिनी जिसे हम बोलते हैं, जो भाग्य है उसे अवॉइड किया, क्योंकि वो जानती थी वेपन ऑफ सस्पेंस की जो उनकी उसका वो जो बातचीत करने का तरीका है उसमें सस्पेंस. वील्ड मीन्स होल्ड करना, कि किस तरह से सस्पेंस को अपनी बातों में होल्ड किया जाए. द ओनली लिटरेरी टूल दैट हैज़ एनी इफेक्ट ऑन टायरेंट्स एंड सेवेजेस. ये एक ऐसा लिटरेरी टूल था जो कि जिसके पे टायरेंट्स मीन्स जो क्रूअल रूलर्स होते हैं, सेवेजेस मीन्स जो वायलेंट पर्सनालिटीज होती हैं उनके बारे में, तो उनसे बचने का ये एक ही तरीका था कि वेपन ऑफ सस्पेंस को यूज़ किया जाए.
Great novelist though she was, equistic in her description, tolerant in her judgments, ingenious in her incidents, advances in her morality, vivid in her disclinations of character. और वो जो थी वो एक्विस्टिक थी. एक्विस्टिक मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुली फॉर्म में अपनी स्टोरी को, डिस्क्रिप्शन को कहती थी. एंड टॉलरेंट इन हर जजमेंट, और वो टॉलरेंट मीन्स विलिंग टू एग्री समवन, वो अपने जो जजमेंट है उसमें सबको एग्री करवा लेती थी. इस तरह की उनका कहने का तरीका था. इंजीनियस, इंजीनियस मीन्स क्लेवर, वो बहुत ही क्लेवर थी इंसिडेंट्स को कनेक्ट करने में. ये सारी क्वालिटी शहजादा में थी, और वो ऑथर इसके थ्रू कहना चाह रहे हैं कि एक नॉवलिस्ट में भी ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एडवांसेस इन हर मॉरेलिटी, विविड इन हर डिस्क्लिनेशंस. डिस्क्लिनेशन मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो लाइव डिस्क्रिप्शन, जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ें और उसका जो डिस्क्रिप्शन हो वो हमें सामने नज़र आना चाहिए, कि हम इमेजिन कर सकें उस स्टोरी को या उस कहानी को, बिलीव कर सकें. वो चित्रण हमारे सामने होना चाहिए कि कैसा ये कैरेक्टर होगा, उसका हमें हमारे सामने पोर्ट्रेट बन जानी चाहिए. इस तरह की क्वालिटीज शहजादा में थी व्हेन शी वाज टेलिंग हर स्टोरीज टू हर हस्बैंड. एक्सपर्ट्स इन हर नॉलेज ऑफ थ्री ओरिएंटल कैपिटल्स. ओरिएंटल बेसिकली एशिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एशिया जो रीजन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैपिटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात की गई है, उसे कहा गया है. तो उन सब चीज़ों में एक्सपर्ट थी कि उस रीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में भी वो जानती थी. मतलब कि ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो नॉवेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस रीजन को लेकर, जिस पॉइंट को लेकर आप स्टोरी कह रहे हैं, वो आपको अच्छे से जानना जरूरी है. इट वॉज येट नोन ऑन नन ऑफ दीज गिव्स दैट शी रिलाइड व्हेन ट्राइंग टू सेव हर लाइफ फ्रॉम इनटॉलरेबल हस्बैंड. और उसने शी ट्राइड टू सेव हर लाइफ फ्रॉम दिस वेपन टू फ्रॉम हर इनटॉलरेबल. उसके जो हस्बैंड थे जो कि बहुत ही क्रूअल किंग था, उनसे अपने आप को बचाने में कामयाब रही थी. देवर बट इंसिडेंट शी ओनली सर्वाइव बिकॉज शी मैनेज टू कीप द किंग वॉन्डरिंग वॉट वुड हैपन नेक्स्ट. वो सिर्फ इसीलिए अपने किंग को, उसमें ये सारी क्वालिटीज़ थी फिर भी उसका उसने इतना यूटिलाइजेशन नहीं किया. उसने सिर्फ एक चीज़ को अपने माइंड में रखा कि आगे क्या होगा. किंग को इस बात में वॉन्डरिंग रखा, सरप्राइज रखा कि आगे स्टोरी में क्या होगा. ईच टाइम शी शो द सन राइजिंग शी स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस. और जब भी रात को वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती थी और ऐसे टाइम पे स्टॉप करती थी जब वो देख लेती थी कि सूर्य जो है उदय होने वाला है, और उसी टाइम पर वो बीच में अपना सेंटेंस ख़त्म कर देती थी और उसके बीच में गैप छोड़ देती थी. तो किंग में एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि नेक्स्ट क्या होगा. एट दिस मोमेंट शहजादा सॉ द मॉर्निंग अपीयरिंग एंड डिस्क्रीट वॉज साइलेंट. और वो उसे जब लग जाता था कि मॉर्निंग होने वाली है तो वो अपनी जो पॉइंट है उसको वहीं पे स्टॉप कर देती थी, बीच में गैप दे देती थी और डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल हो जाती थी और साइलेंट हो जाती थी जैसे ही मॉर्निंग होने वाली होती थी अपनी स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट में. This uninteresting title phrase is the backbone of the 1001 nights. और ये जो उस शहजादा की जो भी stories हैं उसको title दिया गया है 1001 nights. और ये ही अनइंटरेस्टिंग टाइटल, अनयूजुअल, अगर हम सुने तो क्या अजीब सा टाइटल हमें लगता है कि 1001 nights, 1001 जो nights हैं, बहुत ही अजीब सा टाइटल है, अनइंटरेस्टिंग टाइटल है. लेकिन ये ही इस जो स्टोरी या नॉवेल है जिसमें बहुत सारे स्टोरीज आपस में कनेक्टेड हैं उसका बैकबोन कहा जाता है. तो समथिंग अनयूजुअल, समथिंग क्यूरियस, समथिंग सस्पेंसिव शुड बी देयर इफ एनीबडी इज राइटिंग अ नॉवेल. द टैप फॉर्म बाय विच दे आर टाइड टुगेदर. और टैप फॉर्म, आई टोल्ड यू दैट रिबन लाइक बहुत बड़ा इंसेक्ट, कीड़ा सा होता है, बहुत लॉन्ग होता है, उससे बांध के रखना चाहिए. बाय विच द लाइफ ऑफ अ मोस्ट अकम्पलिश्ड प्रिंसेस वॉज प्रिजर्व. और जिसके थ्रू, जैसे कि शहजादा ने स्टोरी, अपनी सारी स्टोरीज को इस तरह से बांध के रखा था, सस्पेंसिव रखा था और आगे से उसे कनेक्ट करती गई थी,
तो इसी ने जो प्रिंसेस है उसकी लाइफ को प्रिजर्व किया था। तो होल एंड सोल इन दिस स्टैंजा या इस पैराग्राफ में जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि हमें किस तरह से किस जो नॉवेल का मेन एस्पेक्ट होता है स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट उसको कैरी करना चाहिए। वो ये एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा पुराना है ओल्ड टाइम का है फिर भी अभी तक किसी एस्पेक्ट पे वर्क हो रहा है। तो इसमें हमें न्यू न्यू चेंजेस और न्यू न्यू क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए। वी आर लाइक शहजादाज हस्बैंड इन दैट वी वॉन्ट टू नो वॉट हैपन नेक्स्ट। और हम सभी भी इसी तरीके के पर्सनैलिटीज हैं कि हम कोई भी स्टोरी रीड करने चाहते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। हम ये सब जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, हमें क्यूरियसिटी रहती है। दिस इज़ यूनिवर्सल एंड दैट इज़ वाई द बैकबोन ऑफ अ नॉवल हैज़ टू बी स्टोरी। और ये यूनिवर्सल है इसीलिए जो नॉवल है उसकी जो बेसिक एस्पेक्ट है वो बैकबोन है वो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है। सम ऑफ अस वॉन्ट टू नो नथिंग एल्स, देर इज़ नथिंग इन अस बट प्रिमेबल क्यूरिसिटी। और हम समय से बहुत बहुत जने ऐसे होते हैं जो कुछ और जानना नहीं चाहते, बस उनमें एक प्रिमेबल या क्यूरिसिटी होती है। प्रिमेबल मीन्स स्ट्रॉन्ग एक क्यूरिसिटी होती है। कॉन्सिक्वेंटली द अदर लिटरेरी जजमेंट्स आर ल्यूडिक्रूरस। ल्यूडिक्रूरस मीन्स फुलिश जो होते हैं, जबकि कई बार क्या होता है जो हमारे लिटरेरी जजमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फुलिश हो जाते हैं स्टोरी नॉवल राइटिंग एस्पेक्ट में। एंड नाउ द स्टोरी कैन बी डिफाइंड। और उस वो जब हमारे जजमेंट फुलिश हो जाते हैं तब हम इस स्टोरी को स्टोरी में कोई क्यूरियसिटी नहीं रहती और इजीली उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बोरिंग हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है। इट इज़ अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज इन देयर टाइम सिक्वेंस। और एक नरेटिव इवेंट्स एक लॉन्ग स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है जो कि टाइम सिक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। डिनर कमिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, ट्यूजडे कमिंग आफ्टर मंडे, जीके आफ्टर डेथ एंड सो ऑन। और ये एक नॉवल का एक बेसिक होता है कि हर चीज़ सीक्वेंस में होती है। ब्रेकफास्ट के बाद ही जैसे डिनर आता है, ट्यूजडे की मंडे के बाद ही ट्यूजडे आता है, डेथ के बाद ही डिके होती है, मतलब जब हमारी डेथ हो जाती है तो ही हम नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो सीक्वेंस में ही चलती हैं। इसी तरह से नॉवल राइटिंग एस्पेक्ट होना चाहिए नॉवल का, वो भी सीक्वेंस में होना चाहिए है। और क्वा स्टोरी थी कि बहुत इसमें क्वा को लेकर एक क्वीन को लेकर एक स्टोरीज लिखी गई थी। और क्वा का जो मीनिंग होता है वो होता है इन द कैपेसिटी ऑफ स्टोरी, मतलब जो कि स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी, एक तरह से एक स्टोरी ही लिखी गई है जिसे नाम दिया गया था क्वा स्टोरी। जो स्टोरी लिखने की जो कैपेसिटी है उसके बारे में एक स्टोरी लिखी गई है प्रिंसेस को लेकर, और उनका जो तरीका था वो बहुत ही डिफरेंट था। इट कैन ओनली हैव वन मेरिट, दैट ऑफ मेकिंग द ऑडियंस वॉन्ट टू नो दैट वॉट हैपन नेक्स्ट। और सिर्फ इनमें एक ही मेरिट होती है कि इसमें जो ऑडियंस से जानना चाहती है कि क्या आगे क्या होगा। जो भी पैटर्न आज तक यूज़ किया गया है ऑथर ये कहना चाह रहे हैं उनमें एक ही मेन एक्सपेक्ट है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। एंड कन्वर्सली इट कैन हैव ओनली वन फॉल्ट, और इसी के साथ इसमें एक ही फॉल्ट भी हो सकती है, दैट ऑफ मेकिंग द ऑडियंस नॉट वॉन्ट टू नो वॉट हैपन नेक्स्ट। और इसमें हमें एक ही गलती हो सकती है कि हम ऑडियंस को ये जानने न दें कि, या ऑडियंस ये जान न ले कि आगे क्या होगा। अगर ऑडियंस ने जान लिया आगे क्या होगा तो स्टोरी बोरिंग हो जाएगी। दीज आर द ओनली टू क्रिटिसिज्म दैट कैन बी मेड ऑन द स्टोरी। इट इज़ द लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑफ लिटरेरी ऑर्गेनिज्म। ये लोएस्ट भी है, सिंपलेस्ट भी है, बट मोस्ट क्रिटिकल ऑर्गेनिज्म है नॉवल राइटिंग का और स्टोरी राइटिंग का। येट इट इज़ द हाइएस्ट फैक्टर कॉमन टू ऑल द वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म नोन एज नॉवल्स। ये लोएस्ट भी है, सिंपल ऑर्गेनिज्म भी है लिटरेरी का, लिटरेचर का, लेकिन हाइएस्ट फैक्टर है जो कि नीडेड है नॉवल राइटिंग में। तो अभी तक हमने देखा कि जो ऑथर हैं वो नॉवल के जो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एंशंट एग्जांपल्स दिए हैं, शहजादा का एग्जांपल दिया है। बाकी का जो ऐसे हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।